देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आईटीआई टू सीटीआई क्लासेज। मैं देवेंद्र सर, कल मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी की क्लास में कि माप और माप लेने की विधियां। उससे अगला टॉपिक आता है हमारा सटील रूल और स्केल में अंतर। क्लास है हमारी टीटी की, ट्रेड थ्योरी क्लास। क्या आता है सटील रूल, स्केल, स्केल में अंतर। सटील और स्केल, जो हमारा सटील रूल होता है इसको हम वर्कशॉप में, जो हमारी इंडस्ट्री है वहां पे प्रयोग करते हैं। कहां पे? वर्कशॉप में। ठीक है। और जो हमारा स्केल होता है इसको हम नक्शा बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और इससे आगे आता है जो सटील रूल होता है हमारा, यह है पूरे साइज में बना होता है, फुल साइज में, यानी कि एक्यूरेट साइज में बना होता है। जो इसके ऊपर ग्रेजुएशन अंकित होती है यह उसी साइज में बना होता है। जो सटील रूल क्या होता है भाई, पूरे साइज में बना होता है। पूरे साइज में बना होता है। और जो हमारा स्केल होता है यह अनुपातिक होता है, यह अनुपात में बना होता है। कैसा होता है? अनुपातिक। जैसे कि इसके ऊपर यदि 2 इंच की लंबाई, दो इंच या 2 मिलीमीटर की लंबाई में पढ़ेंगे, 2 mm की लंबाई में, तो उसको कितना माना जाएगा? 30 माना जाएगा, 30 mm माना जाएगा, 15 mm माना जाएगा, इस तरह से 50 mm माना जाएगा। ये अनुपातिक में होता है, इसलिए इसका जो हम नक्शा बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसको हम जो है पूरे साइज में होता है, और इसको हमें वर्कशॉप में, जब क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनका एक्यूरेट साइज लेना होता है, तो उसमें किसका यूज करते हैं? सटील रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये था हमारा जो छोटा सा टॉपिक था आज का, कि भाई सटील रूल और स्केल में अंतर। तो मैंने बताया आपको कि भाई सटील रूल होता है या पूरे साइज में होता है, स्केल होता है या अनुपातिक में होता है। ठीक है। और जो ये सटील रूल होता है यह वर्कशॉप में काम आता है, और जो स्केल होता है यह नक्शा बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह से होता है सटील रूल और स्केल। आगे भी जो हमारे उपकरण आएंगे उनके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। धन्यवाद।